कोई बात नहीं, मैं एक मजे की बात है, पता नहीं, आई डोंट नो इफ आई शुड से इट ऑन टीवी और नॉट, बट मुझे एक बात याद आ गई व्हिच इज हिलेरियस मेरे दिमाग में आ रही है कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी अम्मी बड़ी मजे की ना पंजाबी की पर्सनैलिटी आंटी की, तो वो जैसे कहना हाई, वो ये बात कर रही थी, अम्मी कॉलेज में फलाना ये बात कर रहा था, फलाना ये बात कर रहा था, मेरी ये चीज़ प्रोजेक्ट होगी, मैं प्रेजेंटेशन देते, मेरे हाथ कांप रहे थे, तो कहती फेयर क्यों आया, तो कहती मुझे अम्मी फेयर क्यों आया, वो मुझे बातें कर रही थी, वो कैंटीन बैठी मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो कहती तू कहना सी देखें, कुत्तों के भौंकने से ना कभी भी फकीर का रिस्क कम नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। और मेरा ख्याल इतना काफी है, से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते। बात भी कहा जाते। अच्छा मुझे बताया, हाँ, और अस्मा पर पिछले आप तो फैमिली की चीजें लगाती हैं, तो आपने पिछले एक वीडियो डाली कि मैं आइंदा कोई चीज़ जो है वो शेयर करूँगी, हाँ, कि बहुत बहुत ज्यादा बदतमीजी, बहुत ही मेरी बेटी की दुआएं खैर थी, और वो और मेरा जो छोटा बेटा ना, वो बड़ा इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा, वैसे तो वो गाता है बहुत अच्छा, और ड्रामे भी उसने एक दो किए, लेकिन एक बच्चे होते हैं ना थोड़ा, वो ज्यादा मिलना नहीं है, हमारे साथ कहीं नहीं जाता, सारा कहती है मेरे साथ चलो, मैं नहीं जा रहा यार, मेरे साथ शो में नहीं आता, एक बड़ी मुश्किल से मैं उसको शो में लाई, क्योंकि वो हमारा कपड़ों का भी इकट्ठा काम है, मैंने कहा शो के लिए बुला रहे हैं, कपड़ों के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं बुला रहे, कि मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं क्यों आपके पीछे पीछे लीला बन के जाऊँ, वो ऐसा बच्चा है। उसकी दुआ खैर थी, दुआ खैर हुई, वो अपने फ्रेंड्स के साथ थाईलैंड गया हुआ था, उसका रंग टैन हुआ हुआ था जरा, उफ, उसके ऊपर जो बातें की, मैं आपको बता नहीं सकती, कलर पे, हाँ, कि ये यूं लग रहा है, ये वो लग रहा है, और यूं है, और वो है, इतना बुरा कि दिल खराब हो गया, कि मतलब हद हो गई है आपकी, कि आप फिर आप कहते हैं, फिर इसीलिए आप कहते हैं, मैंने कहा जैसे सब कहते हैं शादी होगी हमें दिखाएं, मैं नहीं दिखाती भाई, तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे, फिर यही होता ना उसको, फिर नहीं निकालनी है तो फिर क्या देखने का, मुझे अपने बच्चे का उसका दिल खराब हो गया, और निकल यार, हाँ, वो पढ़ लिया, उसके लोग उसको दोस्त भेज रहे हैं, उसको वो निकाल के क्लिप डाल रहे हैं, और लोगों को नहीं भेज, दोस्तों को नहीं भेजना चाहिए, और इंसान ना अपने पे तो इंसान वो सुन लेता है, इतनी एम्बैरस हुई हूँ कि हाय अल्लाह मैंने क्यों कह दिया, मैंने क्यों, उसने मुझे कहा अम्मा प्लीज यार मेरा नाम ना लिए कर, ना मुझे लगाया, और मेरी ज़ारा भी परेशान आए, अम्मा बेचारा वो कितना अपसेट हो गया, अब हम शादी की जो भी कर रहे हैं ना बात, कहते बेटा फिर वो तस्वीरें खींचेगी हमारे साथ, दूसरों के साथ तो खींचेगी ना भाई, हमारे साथ लोग लगाएंगे, नहीं ठीक है आप लोग अपने पे लगाएं, मेरे पे मतलब उसको ये हो गया कि ये क्या हो रहा है कि लोग इस तरह करते हैं, मैंने कहा भाई मैं तो अपनी फैमिली की बिल्कुल चीज़ नहीं लगाऊंगी, पर आपको पता है मैंने बहुत अरसा पहले ही उसूल बना लिया था, बहुत अरसा पहले, क्योंकि प्रॉब्लम मैं प्रोग्राम भी इस तरह करती थी ना जहाँ मैं लोगों की आइडेंटिटीज नहीं दिखाती थी, वो रोग रियल थे, सब कुछ रहता, लेकिन मैं रिवील नहीं करती थी, तो मुझे हमेशा ये था कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ ना, मेरे खानदान को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस तरह ही सोचा कि ये जो मेरा सोशल मीडिया है ना, ये मेरा घर है जिसका दरवाज़ा मैं सबके लिए नहीं खोलती, कहीं मैं खिड़की खोल दूंगी, दरवाज़ा मैं नहीं खोलूंगी, हाँ अगर उस दरवाजे से गंदी बदबूदार हवा अंदर आना शुरू होगी, मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन है, पूरी फैमिली उसमें आप लोग तो बच भी नहीं सकते इस चीज से, मेरी भी कुछ फैमिली के मेंबर्स अपनी अपनी फील्ड में वहाँ है, लेकिन हम थोड़े से प्राइवेट रहते हैं, शायद जिंदगी में पहली दफा मैं अभी अपनी बहनों के साथ थी, तो हम सारे इकट्ठे थे एक जगह पर, वी वर इन अमेरिका, तो वी वर हैविंग सो मच फन, तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है, वो ना लोगों ने कमेंट्स किए आप कहाँ चली गई हैं, आप कुछ लिख नहीं रही, मेरा कोई इंडस्ट्री नहीं था, मैं क्या लगाऊँ इस वक्त, तो मेरी बहन ने कहा तुम जो हर वक्त इतनी सीरियस मवाद से लोगों को वो लाइट चीज लगा दो, कभी उनको खुशी के लम्हे भी दे दो, तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, खुश भी होती है, मैंने कहा चले, मैं फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरी तो कोई तस्वीर नहीं आप लोगों के बगैर, चारों बहने हर तस्वीर में चारों लगी, तो हम पर्दा करते हैं क्या दुनिया से, लगा दो क्या है, मैंने वो लगा दी, आए एक दो कमेंट्स घटी वही वाले बुड्ढी गोड़ी लाल लगाम, इनको तो ये चारों एक जैसी क्यों हैं, चारों की आंखें एक जैसी कैसे हो सकती हैं, कॉन्टैक्ट से गायब, अरे भाई एक ही माँ बाप की औलाद है तो एक जैसी, अच्छा अब मैं कई दफा इस पे कमेंट नहीं भी, मुझे खुशी किस बात की हुई, हजारों लोग आ गए बीच में और लोगों ने ही कहा
अगर आपके अपने घर में एक ही माँ बाप के चार बच्चे होंगे ना, तो देख लीजिएगा सिमिलैरिटी होनी चाहिए। लोगों ने इस तरह की बातें भी लिखी। मैंने कुछ नहीं छोड़ना चाह रहे ना, लेकिन बाद में ऐसे आपके डिफेंडर्स आ जाते हैं, शाबाशी माशाल्लाह। 4,000 जो लोग आते हैं ना, मैं कहती हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको एक्चुअली बढ़ावा मिलना चाहिए कि आप इस तरह लोगों की जातियात पर बात मत करें। और मैंने अपनी बहनों से कह दिया, मैंने कहा तैयार रहेगा, मुझे नहीं पता अच्छा बुरा क्या आएगा भाई। नहीं, मैं कहती हूँ जो दुआएं मिली है, जैसे आप कह रही हैं, जो लोगों ने मेरी बहनों को दुआएं देखी। हाँ। अच्छा, और फिर क्या हो रहा है, लोग अपनी बहनों को टैग कर रहे हैं, हमें भी ये करना चाहिए, वी नीड टू डू दिस, हमने अपनी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। आपको बिल्कुल आप डालें, आप बिल्कुल पोस्ट डरना नहीं, हम किस, हम क्या छुपाएंगे? नहीं नहीं, आज सारे घर वाले ऑलरेडी, अभी हम ये बैठ के बात कर रहे हैं ना, हमें नहीं होना चाहिए परवाह। आपका आपका इनर सोल, मैं अपनी बात देखिए, मेरे हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे जो सारा परेशान हो गया, उसने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। अच्छा, जो हेजिटेंट है, मैंने उसको कहा सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे सो सॉरी, क्योंकि उसका दिल खराब हो गया कि ये क्या मतलब रंग पे क्या टैन हुआ है। अच्छा ना, मैं अस्मा पापा की बात से ना थोड़ी सी भी कर सकती हूं, रिलेट कर सकती हूं कि वाकई आप ना, आपके तो आपका बच्चा वैसे भी शहजादों का शहजादा सब है, लेकिन सामने लोग देख रहे हैं छोटा बच्चा। तो मैं तो अपनी, जैसे मेरे हस्बैंड जैसे मना करते हैं कि पिक्चर्स के नहीं डालनी, तो कोई छोटी सी भी कोई चीज डाल देना, तो वो होता है यार पता नहीं लोग क्या कमेंट करेंगे, कोई ऐसा कमेंट करेंगे जो दिल चीर के रखते हैं। हाँ। तो जो अस्मा आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि दिल चीर के कोई चीज आपके लिए तो बड़ी, और वो परेशान बहुत हो गया दरअसल। हाँ। ना वो बहुत परेशान हो गया। आपने उसको फिर दी तसल्ली के बेटा? नहीं, मैंने तो, मैं तो शर्मिंदा ही होगी कि मैंने कहा, नहीं मैंने कहा अच्छा बेटा मैं, हाँ मतलब मुझे पता है कि वो, उसने क्या, उसने क्या कहना था, बस बेचारा यूं ही था कि ये क्या हो रहा है उसको। लोग भी होते ना, आपको कुछ कहना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जिनसे आपको प्यार होता है उनके बारे इतनी देर से मैंने जो है होल्ड पे भी रखा हुआ था, लेकिन हमारी गुफ्तगू जो है मैं भूल भी गई कि कॉलर मेरे साथ है। बड़ा आपका प्रोग्राम अप्रिशिएट करती हूँ, और हमेशा आपके मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और वो बहुत सुनने के लिए लायक होते हैं, और जो लोग उस पर अमल कर लेते हैं या दिल पे उतर जाते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है। और मेरे लिए ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डाइवोर्स दी, और बकायदा उसने मेरी शादी वाली तस्वीर से उछल उछल के मुझे 30 दफा मुझे कहा मैंने तुम्हें तलाक दी। तो उसके बाद जब मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया और बोला, तो उसने साथ ही कुरान उठा लिया कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये उसके जहन का फतूर था। फिर मैंने उस टाइम को गुजारा, फिर जी उन्होंने बड़ा कहा कि चलो ठीक है। फिर मेरी बेटी पैदा हुई 9 साल के बाद इसी रिलेशन को लेके, जो मैं शर्मिंदा नहीं हूँ बताने में। और मैं तो ये सोची आप किस ट्रॉमा से गुजरी हुई है। मैं इस ट्रॉमा से गुजरी हुई हूँ, और उसके बाद मैंने सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों को पाला, और उसके बाद वो शख्स मुझे कहने लगा कि आई एम सॉरी तुमने 17 साल गुजारा, फिर बच्चे जब लायक हो गया, बच्चा इंजीनियर बन गया, बच्ची अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ने लगी, तो कहता है बनी गाला चलो। मैंने सारी शिफ्टिंग करके वहां गई, तो जब मैं वहां गई ना, तो उसने मुझे एक जुमला बोला, इतना पुराना मदिया कि जो तुम पहले अकड़ी थी, तुमने अपने भाई को बताया था कि तुमने मुझे तलाक दे दी है, तो तुम्हें पास तुम्हारा प्रूफ क्या है, अब तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम ना सजा काट रही हो। फिर मैं अलहदा आ गई, क्योंकि मेरी सास ने मुझे लाहौर में 3.5 मंजिले का घर दिया हुआ था। अब बिलीव करें कि यहाँ पे बहुत अच्छे नेबर्स हैं जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, लेकिन जो मेरे अपने घर वाले हैं ना, वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उनको कहती हूँ कि अब उसने दोबारा मुझे 2 बार तलाक दी, मतलब इन 27 सालों में उसने मुझे 26 दफा तलाक दी है। ओ मेरे अल्लाह, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मैं मेरे पास गवाह नहीं थे, मेरी बेटी ने कुरान पाक उठाया 17 साल की है, तो उसने उसको थ्रेट किया कि अगर तुम अपनी माँ का साथ दोगी तो मैं जो तुम्हारे कॉलेज की फीस दे रहा हूँ, और ये तुम्हें लग्जरीज है, तुम्हारे कुत्ते बिल्लियां जो तुम्हारे घर में 4 मुलाजिम है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी माँ के पास इससे कुछ भी नहीं है।
अच्छा अब मैंने अपने आप को बकअप करना शुरू किया, मैं ट्रॉमा में भी चली गई, मैं 15 दिन के लिए अंधी हो गई, मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरे मेल फ्रेंड्स ने मुझे बकअप किया। तो मदिया मैंने अभी अपने बालों का हाईलाइट करवाया, ठीक है। तो अब मेरे जो अपनी फैमिली के लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि बुढ़ापे में इसको जवानी सूझ रही है। मैं एक आपको एक बात बतानी चाहती हूँ, मैं सबसे पहले एक ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ। अल्लाह ताला ने जिस तरह मर्द को पैदा किया है ना, इस तरह औरत को भी पैदा किया है, ठीक है। मर्द की जितनी इज्जत है औरत की भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। हमारे कुरान हदीस में हर जगह है, लेकिन जब आदमी पावर में आता है ना तो वो चाहता है कि मैं एक औरत को ना मक्खी की तरह मसल दूं। अच्छा मदिया मैंने अब फैसला किया, आई एम 50 years old, मैंने कहा चले ठीक है मेरे पास एक है हक है, मैं जाके खुला लेती हूँ। तो कहता है कि मैं तुम्हारे पास ऐसे ऐसे अल्जाम लगाऊंगा कि तुम माशरे में अपना चेहरा नहीं मूव कर सकोगी। मैंने अपने भाइयों से बात किया तो उन्होंने कहा कि बेटा जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो, अभी आपके घर से आपको कराया आ रहा है, आप अच्छे से खा लो, हमने अपने बच्चों की शादी करनी है। मदिया मेरी कोई लाइफ नहीं, एग्जैक्टली अगर मैं किसी शादी में जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस उम्र में भी कोई छाइयां और मुंह पे कोई झुरियां नहीं देती। मुझे लोग कहते तुम्हारे मुंह पे झुरियां नहीं आती हैं, तो मैंने कहा मेरा अंदर से दिल साफ है, ठीक है। मैं उसकी किसी भी गाली का जवाब नहीं देती, लेकिन मदिया वो ऐसे ऐसे जुमले बोलता है ना, तो मैं आपको बता अभी भी शादी जी इस रिलेशनशिप में हैं, आप अभी भी इस रिलेशनशिप में हैं, साथ रहती उनके 26 दफा। नहीं मैं 6 मंथ रही थी, फिर मैंने अपने भाई को कहा था कि मुझे बनीगाला से मूव करना है। तो फिर मेरे बेटे को मैंने कहा आप मुझे स्काईवे से छोड़ा है, कहते प्लीज मामा हमें पनिशमेंट मिल जाएगी। मेरा बेटा उस वक्त माशाल्लाह 24 साल का है और वो नेवी में है वो। तो उसने कहा मामा ये आप और पापा के निजी मामलात है, हमें उसमें नहीं डाले। तो मैंने कहा बेटा जो मैंने आपको इतने साल आपकी परवरिश करी वो, कहते मामा जब हम आपके साथ थे तो हम आपके जैसे थे सॉफ्ट हार्टेड, अब हम पापा के जैसे हैं तो अब हम पापा की तरह सोचते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा दिल चाह रहा था मदिया से बात, और ये जितनी भी सेलिब्रिटीज बैठी हुई है मैं इनको सलूट करती हूँ। हम आपको सलूट करते हैं, आपने कैसे जिंदगी से गुजारा, आप बहुत बहादुर हैं। मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा मिला। मैं चले आती, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने मैं अपने चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मैंने आप लोगों के लिए कैसी खिड़की खोली कि जहाँ पे आप लोग मुझसे बात करके आपको लगता है कि आप बदलने का हो सकता है। और आप हमें कह रही है आप मैं सलूट पेश करती हूँ, मैं तो आपको सलूट पेश करती हूँ कि आपकी जैसे आप बता रही कि आपकी मैंने आपको 26 दफा तलाक दी, अभी भी कैरेक्टर सेसिनेशन भी कर रहे हैं, आप खुला भी नहीं ले सकती, और इतनी दुख की बात कि आपके भाइयों में से कोई आपके साथ ही नहीं खड़ा हुआ। और उससे भी मैं वाकई ऐसे लोग देखे हैं हमारी टीम में, वैसे कितने लोगों को ऐसे देखते हैं कि वो कहती है कि जी हम हमारे मियां में मारते हैं, और मैं यकीन माने मैं नाम नहीं ले सकती। तो जब उनसे कहते हैं कि आप इनको छोड़ क्यों नहीं देती, तो कहती मेरे बच्चे कहते हैं जहाँ पे आपने इतनी जिंदगी गुजार ली तो और जिंदगी गुजार ली। फाइनेंशियली आई थिंक यहाँ पर अगर देखा जाए एंड ऑफ द रिजल्ट जो भी है, मैं भी अलग हुई ठीक है ना, अगर मैं फाइनल, मैं तो तभी बहुत इज्जत करती हूँ, सल्यूट करती हूँ शोबिस को, और मैं हर घर के अंदर जो कोई मुझसे पूछ, मैं कहती बिल्कुल अपनी बेटियों को भेजे, बहुत अच्छा मॉल है, इंसान के ऊपर होता है, एब्सोल्युटली कुछ नहीं, रिस्क है, आज कमाई है, सब है, तो हम सर्वाइव, वरना अगर पैसा ना हो डिप्रेशन, आप तबीयत खराब, मजबूरी काम ना हो। आज इनके पास पैसा होता तो बच्चे भी इसके साथ होते, ये आज ये रो नहीं रही होती। लेकिन आई वुड से एंड आई रियली वांट टू से दिस टू शाजिया कि शाजिया आप अभी भी जिंदगी बहुत पड़ी है, और अल्लाह की देन है, अल्लाह की नेमत है। आप एक बाशऊर खातून है, आप एक हिम्मत वाली खातून है, आपको चाहिए कि आप इस बात को समझें कि शरण अब आपको खुला भी लेने की जरूरत नहीं है,
आप एक्चुअली कोर्ट के थ्रू अपनी तलाक ले सकती हैं और आपके पास वो इंसिडेंट्स और डेट्स अगर मौजूद हैं, क्योंकि अगर एक मर्द एक औरत को तलाक कहता है और 20 साल बाद भी वो दूसरी बार अगर कहता है तो वो पहली वाली काउंट होती है, वो निगेट नहीं होती है. तो अगर वो मुतादद बार आपको तलाक कह चुके हैं, आपको कोर्ट के थ्रू अलग होने के बारे में सोचना चाहिए. अल्लाह ताला राज़िक है, इंसान नहीं है. बिल्कुल, आप आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर सकती हैं. आप चाहे छोटी मोटी जॉब कर लें, ऐसे बंदे के साथ गुजारा कर लिए, आप में बड़ी हिम्मत है. आप अपने बच्चों को भी छोड़ दें, आप अपने मियां को भी छोड़ दें, आपके घर वाले साथ नहीं देते, कोई बात नहीं. इंसान को ये याद रखना चाहिए कि वो कभी तनहा नहीं है अगर अल्लाह उसके साथ है, वो आपके साथ है. और आपको हमेशा से इसी बात का ख्याल रखना चाहिए कि जी अल्लाह, मुझे पता है कि मेरा जमीर क्लियर है और मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती को जवाब दे हूँ, वो है खुदाए बुजुर्ग पाक की हस्ती. बाकी छोड़ दें, लोग कहते रहेंगे, लोगों को कहने दें, उनको इतना कहने दें, इतना कहने दें कि वो कहें यार इस पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, और वो अपनी इस सोच के साथ खुद ही पागल हो जाएं. ये ज़रा बेहतर होगा. बहुत सारा ख्याल रखिएगा. शादरी आबादरी. अल्लाह पाक आपको अल्लाह के गम से महफूज रखे. बहुत ऐसी.